में सबसे पहले खेल जगत से जुड़ी खबर। भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल मैच आज एडिलेड क्रिकेट मैदान में खेला जाएगा। 10 साल बाद प्रशंसक T20 विश्व कप में भारत बनाम इंग्लैंड का मैच देखेंगे। इससे पहले दोनों टीमें 2007, 2009 और 2012 में सेमीफाइनल में टकराई थी, जिसमें भारत ने दो बार जीत हासिल की है जबकि इंग्लैंड ने एक मैच जीता है। मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से ज्यादा जानकारी दे रही है टाइम्स नेटवर्क की करिश्मा। हम इस वक्त हैं मेलबर्न के एमी पार्क में, जहां पर ऑस्ट्रेलिया के काफी फुटबॉल टूर्नामेंट्स खेले जाते हैं। ठीक इसके पीछे है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, जो खबरों में रहने वाला है 13 नवंबर तक। पाकिस्तान ने अपनी जगह T20 वर्ल्ड कप फाइनल में बना ली है और आज है बड़ा सेमीफाइनल भारत बनाम इंग्लैंड एडिलेड में। भारत की अगर बात की जाए तो टीम अच्छे फॉर्म में है, सिर्फ साउथ अफ्रीका से उन्होंने मैच हारा है अपना ग्रुप स्टेज में, उसके अलावा वो टेबल टॉपर्स थे। विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव बहुत अच्छे फॉर्म में है भारत के लिए और उनसे यही उम्मीद की जाएगी कि वो अपना वो फॉर्म जो है बरकरार रखें सेमीफाइनल में भी। ओपनिंग पेयर KL राहुल और कप्तान रोहित शर्मा से उम्मीद की जाएगी कि एक ओपनिंग पेयर की जो स्टार्ट होती है वो टीम इंडिया को दे पाए, क्योंकि वो अब तक जो है वो कमी खली है इंडियन टीम को। अगर हम बात करें बॉलिंग की तो भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह बहुत ज्यादा जरूरी रहेंगे भारतीय टीम के लिए। बहुत अच्छी बॉलिंग कर भी रहे हैं ये तीनों फास्ट बॉलर्स, कहीं ना कहीं जब भारत को जरूरत होती है इंटरवल्स पर ये विकेट ले रहे हैं, तो सब कुछ भारत के लिए अच्छा चल रहा है। वही मोमेंटम उनको कायम इस सेमीफाइनल में भी रखना है इंग्लैंड के खिलाफ। अब इंग्लैंड की अगर बात करें तो जॉस बटलर ने अपनी कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल वो नहीं होने देंगे। हमें ये देखना है क्या वो ये ऐसा कर पाते हैं। इंग्लैंड बैटिंग लाइनअप काफ़ी डीप है, बेन स्टोक्स हो गए, जॉस बटलर खुद हो गए, उनके पास काफ़ी डीप बैटिंग लाइनअप है। इंग्लैंड का बॉलिंग लाइनअप भी काफ़ी अच्छा है, क्रिस वोक्स हैं, सैम करन हैं, आदिल रशीद भी हैं उनके पास, हमारे ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का भी आज बहुत अहम जो है एक रोल रहेगा कहीं ना कहीं भारतीय टीम को जीत दिलाने के लिए। एडिलेड से दोनों टीमों का एक बहुत गहरा रिश्ता भी है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद यही की जाएगी कि एडिलेड में जो है वो भारत का झंडा लहराए और जो करोड़ों क्रिकेट फैंस की एक उम्मीद है भारत वर्सेस पाकिस्तान का एक फाइनल देखने की, एक ऐतिहासिक फाइनल MCG पर जो होगा 13 नवंबर को, कोशिश भारतीय टीम की भी यही रहेगी कि भारत बनाम पाकिस्तान हो ये T20 वर्ल्ड कप में। और 2007 में जो ट्रॉफी भारत ने जीती थी वो एक बार फिर 2022 में ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जो ठीक इस एमी पार्क के पीछे है वहां पर जीते और रोहित शर्मा और वो पूरी टीम इतिहास में अपना नाम रचे।